सी तीन चीजें जो मेडिकल लैपटॉप का रूप धारण करती है। नंबर एक ज्वलनशील पदार्थ, नंबर दो टेम्परेचर, नंबर तीन ऑक्सीजन। जब तीन चीजें मिलेंगी तो आग लगेगी और तीन लेने मिलेंगी तो ट्रेंगल पड़ेगी। अगर तीन चीजों में हम एक चीज भी काट देते हैं तो हमारी ट्रेंगल की बजाय एंगल रह जाता है, और तीन चीजों में एक चीज काट दोगे तो आग बुझ जाएगी। आजकल हमारे घर में रसोई गैस आ गई, अब हम क्या करते हैं, बटन को ऑन करते हैं और लाइटर के साथ जला लेते हैं। जितनी देर हमें जरूरत होती है वो हमारा बर्नर जलता रहता है। जब जरूरत नहीं, हमने सिर्फ बटन को ऑफ ही किया, हमने ज्वलनशील पदार्थ ही काटा है, हमने उसके ऊपर पानी नहीं डाला, हमने उसके ऊपर कंबल नहीं दिया, सिर्फ हमने ज्वलनशील पदार्थ काट दिया तो हमारी आग बुझ जाती है। ये था कि अगर हम ज्वलनशील पदार्थ काट देते हैं तो हमारी आग बुझ जाती है। नंबर दो टेम्परेचर, जब आग लगती है हम उसके ऊपर पानी फेंकते, क्यों फेंकते हैं, उसका टेम्परेचर डाउन करने के लिए। हम आग बुझाने के लिए नहीं फेंकते, हम उसका टेम्परेचर डाउन करने के लिए फेंकते हैं। अगर टेम्परेचर डाउन हो जाएगा आग अपने आप ही बंद हो जाएगी। और तीसरा हमारा है ऑक्सीजन। किसी आदमी को आग लगती है हम उसके ऊपर कंबल क्यों देते हैं, हम आग बुझाने के लिए नहीं देते, हम उसका ऑक्सीजन कट करने के लिए देते हैं। ऑक्सीजन कट होगा तो आग बुझेगी, अगर ऑक्सीजन कट नहीं होगा आग बुझेगी नहीं, आग ज्यादा बढ़ जाएगी। हमने तो ये देखना है कि हम ऑक्सीजन कट करते हैं तो हमारी आग कैसी बनती है। धुएं के साथ हमें ये मालूम होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने का काम करती है, ना कि आग जलाने का काम करती है। ये था, अगर आप तीन चीजों में एक चीज भी काट देते हो आपकी आग बुझ जाती है। आप किसी आदमी को आग लग जाती है आप क्या उसकी हेल्प कर सकते हो, क्या हेल्प कर सकते हो? देखो जैसे आदमी को आग लगी है वो दौड़ेगा, जैसे जैसे दौड़ेगा ऑक्सीजन मिलेगी आग बढ़ती जाएगी। आग लगने वाला और पानी में डूबने वाला दोनों की स्टेज एक हो जाती है, इसलिए सबसे पहले अपना बचाव करना है, अपना बचाव करते हुए उसको गिराना है। जब उसको गिराओगे, गिराने के बाद जो चीज हमारे पास अवेलेबल है, दरी कंबल जो हमारे पुरानी अखंड वाली बोरियां होती है ना, वो हमारे गांव में बना लेते हैं पलट से, वो भी उसके ऊपर हम दे सकते हैं। अगर वैसे कट लोड वाली है, आपने ज्यादा लोड डाल दिया, क्या होगा, हीट हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, आग लग जाएगी। आपको कब पता चलेगा, जब बोर्ड से धुआं निकलेगा आग निकलेगी, नीचे गिरेगी। अगर नीचे सामान है आग लग गई आपकी 25-30 साल की कमाई खत्म हो जाएगी। हमारे पास ये ट्रे है तेल की भरी हुई है, उसको आग लग गई, हम इसके ऊपर पानी फेंक सकते हैं, रेत फेंक सकते हैं, हम इसके ऊपर ना पानी फेंक सकते हैं ना रेत फेंक सकते हैं। क्यों नहीं फेंक सकते? अगर आपने इसके ऊपर पानी डाल दिया, पानी भरा है, नीचे चला जाएगा, तेल बाहर जाएगा, जैसे जैसे ट्रे से बाहर निकलता फैलता जाएगा आग भी फैलती। और दूसरा, ना हम इसके ऊपर रेत फेंक सकते हैं, रेत भी नीचे चली जाएगी, तेल आगे फैलता जाएगा। हमारे पास होते थे फोम टाइप फैक्ट्री, जिसको हम उल्टा करके चलाते थे, एक 90 डिग्री एक 45 डिग्री। उसका क्या काम था, जो फोम होती थी तेल से हल्की होती थी, और तेल और हवा के बीचकार एक दीवार का काम करना, एक कंबल का काम करती थी, ऑक्सीजन कट करती थी, आग बुझ जाती। आजकल वो बंद हो गए, आजकल ये आ गए DCP ड्राई केमिकल बंद हो गए।
कुलदीप हमें खाकर बाल्टी लेकर आओ। आप ऐसे करो बूटा सिंह, डायरेक्शन के अनुसार ऊपर से खड़े होकर इसको तीन तरफ से काबू करो। इधर से चलाओ जल्दी। नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लोगों ने आज जो एक फायर ड्रिल का यहां बहुत ही मैं कहूंगा कि सक्सेसफुल एक आयोजन किया है और उसके लिए आप सब बधाई के पात्र हो। और यहाँ जो मैंने देखा है कि पूरा एक टीम वर्क था उसको, और उसमें एक जो सीरियसनेस होती है किसी भी ऐसी डिजास्टर को लेके, फायर इंसिडेंट को लेके, वो मुझे दिखाई दी। और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से आप लोगों ने बिहेव किया, स्पेशली जो हमारे टीम के जो फ्रंट रनर थे, जिसमें हमारे स्टेशन मास्टर बलजीत सिंह और ये पॉइंट्समैन श्री बूटा जी, बूटा सिंह जी, और ये सारे आप लोगों ने, जिन कुलदीप, ये जो पॉइंट्समैन है जिसने पानी की बाल्टी का प्रयोग किया, सारे ही उमेश, सब ने बहुत बढ़िया एक डेमो दिया है और उसको हमने वीडियो में कैप्चर किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जब वीडियो हम अपलोड करेंगे तो पूरी डिवीजन इसको देखेगी और इससे फ़ायदा लेगी। इस फायर ड्रिल से पहले आप लोगों को तकरीबन कोई 15-20 मिनट हमारे जो चीफ सिविल डिफेंस इंस्पेक्टर श्री रविंदर सिंह बराड़ जी, उन्होंने आपको फायर के ऊपर पूरी डिटेल बताई कि फायर कितनी प्रकार की होती हैं और फायर डिफरेंट टाइप के फायर को बुझाने के लिए डिफरेंट जो फायर एक्सटेंशन यूज होते हैं उसके बारे में, फायर को बुझाते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं, और जैसे कि रेलवे में हमारे जो यात्रीगण हैं अगर कोई ऐसा हादसा होता है तो उनको कैसे बचाना है, तो ये सारा जो है डिटेल में आपको बताया गया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने उसको बहुत ध्यान से सुना और बहुत कुछ आज गेन किया। ये बहुत ही एक मैं कहूँगा कि इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी ड्यूटीज़ का, कि जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो हमारी जो एक्सपीरियंस, हमारा जो नॉलेज है फायर को बुझाने का, वो उस वक्त काम आता है। साथियों, अभी तक आपको जो बताया गया है उसको मैं दोबारा थोड़ा फिर एक बार समअप कर दूँ कि आग जो है बेसिकली चार तरह की है, ABCD। ए में सॉलिड टाइप का जो ज्वलनशील मटेरियल है, जिसमें कपड़ा, वुड, पेपर्स, ये सारा जो सॉलिड टाइप का मटेरियल है ये आ जाता है। बी में आपका जो लिक्विड टाइप का जो ज्वलनशील पदार्थ है, पेट्रोल है, और ये आपका केरोसिन ऑयल है, आपके जो ऑयल और तरह के ऑयल हैं, ग्रीस है, ये सारा जो है बी टाइप में आ जाता है। तो सभी तरह की आग को बुझाने के अलग तरह के यंत्र हैं, लेकिन हमारे पास रेलवे में जो कॉमन जो एक दिया गया यंत्र, वो तीनों तरह के जो आग को बुझाने में कामयाब के लिए काम आता है, जिसमें एक अपना DCP टाइप का ये जो यंत्र है, ड्राई केमिकल पाउडर टाइप का, तो इसमें ABC तीनों टाइप के जो है आग बुझाई जा सकती है। तो ये तो हो गया आग कितनी तरह की होती है और उसको बजाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर कौन सा यूज होना है। साथियों, इसमें एक और है कि अभी रिसेंटली एक करतारपुर में एक अपना जो गाड़ी है जो 4673 थी,
उसके कोच में आग लग गई थी, तो वहाँ जो है स्टेशन मास्टर ने बहुत अच्छा काम किया, फायर एक्सटिंग्विशर भी यूज किए, सब कुछ किया, लेकिन उसमें एक जो बाद में सामने आई जो गलती थी कि उसने ART तो अरेंज की, लेकिन ARME जो है मेडिकल वाहन जो है वो अरेंज नहीं की। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, जब भी कोई भी कोचिंग ट्रेन में आग का कोई ऐसा इंसिडेंट आपके स्टेशन पर हो या ब्लॉक सेक्शन में हो, तो आपने बिना सोचे बिना और टाइम वेस्ट किए मेडिकल वाहन का अरेंजमेंट देना ही देना है, चाहे उसमें आपको कोई कैजुअलिटी की खबर आए या ना आए। इसके अलावा जो स्टेट के जो इमरजेंसी नंबर है वो आपके ध्यान में रहने चाहिए, जैसे 108 जो होता है वो मेडिकल इमरजेंसी के लिए होता है, 101 जो है वो फायर ब्रिगेड के लिए होता है, तो आपने 101 और 108 दोनों ही जो है कॉल करने हैं। तो साथियों आपको डिटेल में बताया भी गया है और प्रैक्टिकल भी जो अभी ड्रिल की है, इससे आपको पूरा जो है फायर जो फाइटिंग का पूरा जो ज्ञान मिला होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो आप सब लोग जो है और जो भी ये वीडियो देखेंगे बाद में, तो उनको ये फायर फाइटिंग में काफ़ी मदद मिलेगी। और इसी तरह जो है एक टीम बना के और बिना किसी घबराहट के आपने अपनी भी जान बचानी है, रेलवे की संपत्ति की भी करनी है, संपत्ति को भी बचाना है और पैसेंजर की जान भी बचानी है। आपके ऊपर बहुत बड़ी ये जिम्मेवारी है और इसीलिए हर आपके जो सेफ्टी कैंप में ये फायर फाइटिंग के ऊपर आपको एक लेक्चर दिया जाता है और एक ड्रिल कराई जाती है। तो इसलिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। Wash away the sin.